जैसे गाधा बमागा रेपा सा मगा रेगा मा पदा मा जब गा मा पदा नी गा नी दा पदा नी पदा नी दा रेगा मा बगा सा मा सागा मा दा बगा मा गरे सा दा सागा दा पमगा पमगा सा रे रे मा दा रे सा नी सा रे गा सा पदा दा मरे दा मरे दा मरे दा निरे मा नी दा 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 मरे गा गा सा नी सा दा दा पा। मतलब जो भी हम चाहते हैं उसके लिए दृष्टि को डीप से डीपर जगह पर ले जाके स्वर को देखने का कोशिश करना, ये मैंने रियाज करने का कोशिश किया और बच्चों को सिखाने का कोशिश करता हूँ। और कुछ आपको डिस्टर्ब करने के लिए, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा बाजा, आप पूछ सकते हैं क्योंकि बाजा क्यों ले रहे हैं आप? बाजा केवल सुर पहचानने के लिए बहुत कामदायक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आंदोलन और राग संगीत का जो जगह है वो तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट से उतना अच्छा निकाला नहीं जा सकता है। अगर तालीम नहीं हो तो वॉइस में भी नहीं निकाला जा सकता है। जैसे ये सा है तो रे, ये अति कोमल रे है, या रे 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 ये तो अति कोमल रे का कितना जगह है। ये सबकी प्रैक्टिस अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रॉब्लम तो बाजा में भी, ऐसा प्रॉब्लम गले में भी है। वो तो देखने का दृष्टि केवल चाहिए। मगर बाजे में एक चीज क्या होता है कि जैसे सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, अब सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, आप अपने आप को डिस्टर्ब करके इसको थोड़ा और बढ़ाइए, गले का पैरेलल बढ़ाइए। जैसे सा नी धा पा मा गा रे सा, अब सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा, तो उल्टा बजा रहा हूँ। सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा, सारे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा नी पा धा नी सा, इस तरह। मतलब अपने को डिस्टर्ब करना, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। हम कुछ भी बजाएंगे मगर हम क्योंकि हम अपने मकसद से दूर नहीं जाएंगे। आप जैसे कि सी शार्प से मैं गा रहा हूँ, मैं डी शार्प से बजा रहा हूँ, एक ही चीज। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा गा रे सा रे गा मा पा गा पा मा गा रे गा सा रे गा मा पा धा पा मा गा पा मा गा रे गा मा पा धा नी पा नी धा पा गा मा पा धा नी सा, इस तरह। ये क्या है, अपने को टेस्ट करना है कि मैं सही कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो स्वर को मैं, क्योंकि आई एम डिस्टर्बिंग माई सेल्फ, इस तरह कॉन्फिडेंस हासिल करना। जो आप कह रहे थे कि रियाज क्या चीज़ है, केवल एक बंदिश को लेके उसका गुरुजी ने क्या फ्रेज बताया था उसका कोई ज़रूरत नहीं। कुछ भी गाना आप खुद देखिए और खुद दृष्टि को और गंभीर ले जाने का कोशिश करके देखिए उसमें क्या क्या आता है। तो खैर, मैं तो बहुत लंबा बात कर लिया, रात तो गुजर जाएगा, तो 10-12 रात में बात को ऐसा हो जाएगा हालत। आपको जो कुछ पूछने का है ज़रा सा कुछ सवाल अगर आप पूछिएगा तो अच्छा होगा। हेलो, सवाल पूछने के पहले एक बात मैं करना चाहता हूँ, प्लीज़। एक 1990 साल में एक ऐसा ही वर्कशॉप कुमार जी का वाशी में हुआ था, तो उस समय प्रश्न पूछने वाले वीणा सहस्त्रबुद्धे जी, के जी गिंडे साहब, ऐसे सब आदमी मतलब प्रश्न पूछने वाले थे। और उस जो डिस्कशन हुआ उसका एक मुक्काम वाशी, कुमार गंधर्व मुक्काम वाशी ऐसा करके किताब, जैसा उन्होंने बोला वैसे ही छाप दिया। अच्छा। और कुमार जी उसमें बहुत ही ऐसा, उनके जो विचार थे वो सभी उन्होंने उसमें रख दिए थे। तो बड़ौदा वासियों की ओर से मैं ऐसा आपको कहना चाहूँगा कि कभी 3-4 दिन अगर आप यहाँ आएंगे तो ऐसा ही मुक्काम बड़ौदा अजय चक्रवर्ती जी ऐसा हम कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल आएंगे, करेंगे, कोई बात नहीं। एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है मेरा, या तो आप मार्च अप्रैल या तो सितंबर पूजा के पहले ये टाइम पे रखिएगा, क्योंकि मैं
अभी दुनिया में हर जगह से जगह में भीख मांगने के लिए जाना पड़ता फॉर द स्कूल एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर टाइम मेरा पसंद का हो तो अच्छा है. बस तो हम आएंगे जी, आएंगे और कुछ बच्चों को भी लेके आएंगे, दो तीन जने को कम से कम, जो कि किस तरह प्रैक्टिस कराने का मैं कोशिश करता हूँ वो सुने और यहाँ के जो संगीत सीखने वाले हैं उनको इंस्पिरेशन दे सके. पहले जो कुछ प्रश्न है वो रियाज के ऊपर ही है. हाँ, रियाज कैसे करें, फिर गुरुजी प्लीज सजेस्ट सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक. हाउ मेनी आवर्स डू वी हैव टू स्पेयर फॉर इट. कंदर्प जानी कितने कितना घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए. सबसे अच्छा है अगर कम से कम 24 घंटा किया जाए. 24 घंटे का मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, क्योंकि 24 घंटा रियाज करना संभव नहीं है क्योंकि फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल. मगर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं एक दिन में 13 से 14 घंटे तक करके देखा कि किया जा सकता है, 13-14 घंटा रियाज किया जा सकता है. और 13-14 घंटा नहीं, अगर 10 घंटा भी कोई रियाज करे तो बाकी जो 14 घंटा है वो भी वो म्यूजिक में ही इन्वॉल्व रहना जो उनके लिए फोर्सफुल होगा, क्योंकि भूल ही नहीं सकते. 10 घंटे का रियाज आपको 14 घंटा जो बाकी है वो भी रियाज ही कराएगा. जैसे कि जोगेश अभी कह रहा था कि कल गाना हुआ, आज भी गाना हुआ, उनके दिल में गाना बज रहा था, तो दो प्रोग्राम वो भी उसमें 3-4 राग का फर्क होता है. अगर उनको दिल अगर राग का उतना पावर है कि उनका दिल में उसका एक जगह बन सकता है, तो कोई अगर 10 घंटा रियाज करे तो बाकी 14 घंटे वो कहाँ जाएगा, वो रियाज ही करे. जी आप बैठिए, उम्रदार आदमी आप. रियाज का जो बात आती है, जब स्टूडेंट के सामने हम कहते हैं कि उसको रियाज करना चाहिए, तो स्टूडेंट के लिए वो अपना स्टैंडर्ड समझकर कौन से स्टैंडर्ड में है और किस स्टैंडर्ड में जा रहा है और कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, उस हिसाब से उसको रियाज का अंदाज़ा अगर बताना हो तो किस तरह बताया जाए. सही बात, ये बहुत बड़ा अपने, क्योंकि उसमें समझने में क्या गलती होती है लोगों की. सही बात, हमने बताया कि आप रियाज करो भैया, मगर स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता है कि कितना रियाज करना है. तो उसकी कैपेसिटी और उसकी कैपेसिटी देखने के बाद उसको उतना समय दिया जाए और उस समय के हिसाब से अगर उसको रियाज करने के लिए बताया जाए. जी जी, तो वो गुरु का काम है या नहीं है उसके बारे में थोड़ा आप बताइए. बहुत अच्छा आपने बोला ये. मैं आपको इसके सिलसिले में एक बात मैं बोलता हूँ, वो ये है कि बहुत सिंपली बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये मैं मेरा ये हर वक्त का यही काम है, इसीलिए मैं देखता हूँ उसका फल कैसे मिलता है, वो भी मुझे देखने को थोड़ा मिलने लगा, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ. 5-6 चीज से ज्यादा रियाज करने का कुछ चीज है ही नहीं. आई कैन सिंप्लीफाई द होल प्रैक्टिस विद इन 5-6 थिंग्स ओनली. वो क्या है? एक है हवा को कंट्रोल करना, यानी सांस. वोकल म्यूजिक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सांस को कंट्रोल करने का रियाज, जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस. दूसरी है स्वर का मास्टर करने का रियाज, जो मैं आपको बताया कि आपको खुद को उसको देखना है और लय के साथ उसको बोलना है. हो गया दो चीज़. तीन है समय और लय को समझना, ठेका बजाना सीखना और ठेके के साथ लय के साथ कॉम्पोजिशंस को गाने का, लय का हो गया. फोर्थ हुआ लिरिक, जो कि कविता है, उसको कैसे पढ़ना, कैसे उसको गाने के साथ सजाना और उसको कैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, सब. केवल पढ़ने से नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, गाना भी पड़ेगा. जैसे एक बोल बाट लोग इतना पसंद करते हैं, जैसे मैं बोला
कोयलिया कुक सुनावे, कोयलिया कुक सुनावे, हाँ कोयलिया कुक सुनावे, सखीरी में कबीर हाँ सतावे, उन बिना कछु न सुहावे, निसी आंधी आरी कारी बिजरी चमके, जियरा मोरा डर पावे, हाँ कोयलिया कुक सुना, कोयलिया कुक सुनावे, सखीरी में कबीर हाँ सतावे, उन बिना कछु न सुहावे, निसी आंधी आरी कारी बिजरी चमके, जियरा मोरा डर पावे, हाँ कोयलिया कुक सुना। अगर हम लय पे पढ़ना नहीं बोल सकते, पढ़ नहीं सकते, तो फिर एक अंग हमारा गाने में कभी नहीं आएगा, वो अंग तो रह गया हमारे लिए। तो शब्द जो है बाट बोल, बाट यानी रास्ता, तो रास्ता को देखना, वही मैं कह रहा हूँ फिर से, देखने का शब्द जो है, क्योंकि हमारे रास्ते में अभी अंधेरा है, केवल थोड़ा सा बिजली का जो बत्ती है उसका थोड़ा पावरफुल लगाना चाहिए। वो पावरफुल जो बत्ती है वो हमारा दिल और मन है, जो कि हमेशा बाहर बाहर घूमता रहता है, उसको पकड़ के, कान पकड़ के अंदर में लाना और उससे हर चीज़ को देखने का कोशिश करना। सीइंग म्यूजिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो आपने ख्याल किया होगा, जोगेश जब बजा रहा था पूरा देख रहा था कि वो क्या बजा रहा है, वो वज़न कहाँ आ रहा है, कहाँ कम नहीं आ रहा है, कहाँ ज़्यादा करना चाहिए, कौन सा तेटे को ज़्यादा प्रेशर देंगे। कोई भी आदमी जो काम करता है वो देख, अगर देख के करे, सोच के करे, तो ये चौथा बात हुआ। और पांच नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, वो है राग। राग की तालीम जिंदगी भर होता रहता है। यमन मुझे मालूम है और मालूम नहीं भी है, क्योंकि अभी भी यमन का रास्ता ख़त्म नहीं हुआ, ना तो कोई भी उस्ताद ने एक राग का हर रास्ता को इस्तेमाल कर सकता है पूरी ज़िंदगी में, इसीलिए वो राग जिंदा है। अभी तक एक्सपेक्टेशन है अगर कुछ जगह मिल जाए, अगर कुछ जगह मिल जाए, और मिलता भी है। एक ही कलाकार को हर दिन उसी राग में नए नए रास्ता मिलता है, इसीलिए वो आनंद भी लेते हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर उनका आनंद है कि चलो एक दफे और ढूंढे। तो ये पांच चीज, बेसिक चीज रियाज करने का है। और ये पांचों चीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पांच चीज़ को करने के लिए, वो है भक्ति और श्रद्धा। भक्ति और श्रद्धा रहा ये पांचों चीज़, जल्दी होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़िंदगी का कम है। हम दो साल सुनते थे उस्ताद का केवल जूता साफ करो, अब जूता साफ करने के लिए दो साल हमारे पास नहीं है। अब तो शुरू के दिन से हमें तालीम चाहिए, तो कि हम कुछ हासिल कर सकें। तो पांच चीज़ का रियाज, जैसे अभी साहब ने, उन्होंने मुझे बताया, ये पांच चीज़ का कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, सेकंड कैटेगरी क्या है, थर्ड कैटेगरी क्या है, वो स्टूडेंट का लेने का जो पावर है और जितना इंटेलिजेंस है उस पे डिपेंड करके गुरु को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर बीमारी में पेनिसिलिन इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास कविता कृष्णमूर्ति सीखने आती थी। अभी भी जो साज भी कभी बहू थी, जो सीरियल होता है, आप सब ने देख, बहुत लोग देखते हैं, उनमें एक लड़की गाती है प्रिया भट्टाचार्य करके, वो भी मेरे पास सीखने आती है। तो उनको क्या मैं मालकों सिखाऊं, जरूरत क्या है। अब कविता कृष्णमूर्ति जी इतना अच्छा गाती है, इतना उनका कंट्रोल है, तो वो अगर मेरे पास आया, मैं क्लासिकल कर रहा हूँ, कलाकार हूं, चलो मालकोश का बंदिश सीखो, क्यों सीखेगा, उसका इस्तेमाल कहां होगा। आप जैसे कि मैं आपको एक बताता हूं, रसना रे तू काहे न बोले राम, बोले काहे न बोले राम। ये रसना रे तू काहे न बोले राम, ये लाइन ले लिया, अब वो गाती है एकदम से, जैसे गाया एकदम से गाती है। वो क्या, लता जी आशा जी की बात मैं कह रहा हूं, जो सुनेंगे वो सबसे परफेक्ट गाएंगे, हमसे भी बहुत ज्यादा परफेक्ट गाएंगे।
मगर उसको कैसे नए रास्ता बनाना है उसके लिए उन लोगों को गुरु चाहिए। मगर एक क्लासिकल कलाकार को उसका हक बनता है बनाने के लिए, यही फर्क है। तो रसना रे तू, ये एक मेलोडी हुआ, रसना रे तू, रसना रे तू, रसना रे तू, रसना रे तू। ये हम उनको सिखाते हैं कि तुम इस चीज को कैसे और आनंद लेना। अब देखो, अब इंडस्ट्री भी ऐसा बुरा हो गया बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें जो कॉम्पोजिशन को बढ़ाने का जो अंदाज है किसी म्यूजिक डायरेक्टर को पसंद नहीं है, क्योंकि उनको खुद का भी इमेजिनेशन वहाँ नहीं जाता है। मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। आप जहाँ जयदेव जी, जहाँ ओपी नायर जी, जहाँ राहुल देव बर्मन जी जो सोचते थे, उनका सोच देखिए कैसे कैसे रास्ते से निकल गए। आप जरूर कुछ लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, मगर ज्यादातर जो हो गया उसमें क्रिएटिव फैकल्टी इज क्लोज्ड। अब फिल्म क्या बन रहा है, ए बेरो तुझके देख लूंगा, बेरो, ए बीरू, ए बीरू, ए बीरू, म्यूजिक भी ऐसे ही होगा, उसमें कोई स्टोरी है थोड़ी जिसका कोई कंपोज किया जाए। अब उस दिन हम गए थे, नौशाद जी मुझे बुलाए थे, उनका एक ताजमहल करके फिल्म बनी है, अभी बहुत जल्दी आने वाले है, उनमें उन्होंने मुझे चार लाइन गवाया, बोले कि मैं मुगल आजम में तुम्हारे दादा उस्ताद को गवाया था, मगर इस फिल्म में तुमको चाहिए। मैं बोला अरे इतना गुस्सा कि मैं क्यों करूँ कि आपके फिल्म में मैं गाऊँ, मैं तो आपका पैर के धूल नहीं हूँ। बोले नहीं, बस आप ही को गाना है। तो चार लाइन उन्होंने दिया, दोपहर को 11 बजे, 4 बजे रिकॉर्डिंग था। मैं ना तो खाना खा पाया, ना तो सोच, मतलब पानी तक नहीं पी सका, क्योंकि 5 घंटे में उस चीज को 10 मिनट में कैसे समझाऊं, पसीना निकला गया। मगर वो उनका काम ऐसा होता है, आप मैं जो बोल रहा हूं ऐसा करो। आप जैसे कि दया दिल की रात में चराग सा जला मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। अब गजल एक सब्जेक्ट है, क्या लाजवाब सब्जेक्ट है, उसको अभी हम लोगों ने गीत बना दिया। अब कुछ भी गाना गाते हैं उसको गजल बोल के बोलते हैं। ये उस दिन राजेंद्र जी से बात हो रहा था, ही इज ए वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, राजेंद्र मेहता जी, ओ इतना अच्छा उर्दू उनको आता है, वो कह रहे थे कि अब जैसे दयार दिल की रात में, अब दयार दिल की रात में, अब उसको हम आनंद देंगे, दयार दिल की रात में चराग सा जला गया मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। अब उस अंदाज से हम उसमें फंस जाए और 10 घंटा करते रहे, रास्ता निकलता रहेगा। तो ये चीज जो कि काव्य गीति गाते हैं, जो कि फिल्म में गाते हैं, जो कि एक जीवन के गाना गाते हैं, ये मेरे ख्याल से राग संगीत से भी ज्यादा मुश्किल है। उस पर एक नियम है, इसका कोई लिमिटलेस नियम है, जैसे कि भावना, इंसान का भावना कोई लिमिट नहीं है, वैसे इस गाने का भी कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे कि दिल की चोट ने क्या है, दिल चीज क्या आप मेरे जान लीजिए, दिल चीज। अब हम ये कह सकते हैं, मगर ये आशा जी अगर मैं बोलूंगा तब बोल सकती है,
मैं जिम्मेदारी लेके बात कह रहा हूं उनको. शी कैन सिंग इवन मच बेटर देन मी, 100 times बेटर देन मी, मगर मुझे बोलना पड़ेगा उसके बाद. तो कहने का मकसद है, मगर ये जो 2 पैसे का मुझे आता है, होल क्रेडिट गोज टू रागाज, नॉट टू अजय चक्रवर्ती. तो राग संगीत सीखने का ये मकसद बनता है. तो दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए. दिल चीज तो बोलते रहिए उसमें. तो जो मतलब राग की और अंदाज जो दृष्टि जो है, अब इसको हम इसमें नहीं गाएंगे, भैरवी में गाएंगे. दिल चीज क्या है आप मेरे जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए. हम इस पे गाएंगे अभी, एक दफे हम कालेगड़ा में गाएंगे, जोग में गाएंगे, कुछ भी गाएंगे, क्योंकि राग का नाम जैसे लिया, एक इंसान हमारे सामने, इंसान नहीं भगवान हमारे सामने आते हैं, उनका पैर पकड़ लीजिए और ठीक रास्ता दिखा के ले जाएगा. राग गाने का कभी कोई कलाकार अगर कोशिश करे कि मैं राग गाता हूँ, वो सच में बहुत ही अनलकी पर्सन है. राग का पैर एक दफे पकड़ लेना अगर संभव होता है तो खुद ले जाएंगे हाथ पकड़ के, कोई चिंता नहीं. जैसे कि हम बोलते हैं ना कि सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग, मतलब तरंग जो है समुद्र से होता है, तरंग से समुद्र का उत्पन्न नहीं होता है. तो मैं आपका हूँ, आप मेरा नहीं है, ये दृष्टि से राग के पास अगर हम जाएंगे तो राग आपको रास्ता बतलाएगा. ये मैं बहुत छोटा मुँह अपना रियलाइजेशन बोल रहा हूँ, ये कोई गुरुजी ने सिखाया मैं आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ ये नहीं. अगर कोई आए मालकों सीखने के लिए तो भर भर दे कललिया, भर भर दे कललिया, भर भर दे कललिया, अब भर भर दे कललिया, फिर धुन बन गया. भर भर दे कर लिया, भर भर दे कर लिया, नहीं सिखा सकते क्योंकि फिर वो क्या हो गया, राग का जो कैरेक्टर है, फ्रेश का जो चरित्र है, उसको हमने हनन कर लिया. तो राग सीखने के स्टूडेंट जो है उनको राग के बारे में बताना चाहिए, और जो गीत है, गीत को कैसे उसका आनंद लेना है, वो जो सीखना चाहते हैं उनको मालकों सिखा के कोई फायदा नहीं, उनको ये चीज़. तो मैं आपको 6 चीज़ बताया, हवा, सुर, लय, शब्द, राग और भक्ति. ये 6 चीज़ से ज़्यादा सीखने का म्यूज़िक में कुछ है ही नहीं, इतना आसान है म्यूज़िक सीखना. तो ये 6 चीज़ पे संस्कार पैदाइश से बनाना चाहिए. भक्ति सडनली एक दिन आई विल डेवलप भक्ति, ऐसा नहीं होता है. अब एक इंस्टीट्यूशन दिल्ली में बनी है, इंदिरा गांधी कल्चर इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपिंग कल्चर, वो मास्टर डिग्री करने के बाद वहाँ कल्चर सिखाया जाएगा. क्या कल्चर सिखा सकते हैं, कल्चर तो जब पैदा होता है बच्चा तब से कल्चर सिखाया जाता, मास्टर डिग्री करने के बाद कल्चर क्या सिखाएंगे हम संस्कार सिखा सकते हैं किसी को, नहीं सिखा सकते. तो जो मैं करूँगा वो मेरा बच्चा करेगा, मैं अगर पैर छुया तो मेरा बच्चा भी छुएगा, मैं नहीं छुया तो नहीं होगा. इसीलिए अल्लाह रखा साहब जैसे इंसान को तबलिया को नहीं, ऐसे ऐसे प्राइजेस मिले जो कि कह रहे थे झांसा, जैसे गुरुजी ज्ञान बाबू को एक दर्जन तबलिया मिले, अनिंदो मिले, शंकरदा मिले, श्यामलदा मिले, संजय मिले, निखिल घोष मिले, कैसे कैसे तबलिया गुरुजी को मिले, गवैया भी मिले 2-4. केवल इंसान नेक थे, सच्चे थे, उसका फल मिला. जैसे अभी झा साहब ने बताया तुलसीदास जी, देखिए मुंबई में कोई भी प्रोग्राम होता है
तो सुधीर नायक चाहिए या तो अजय जोगलकर चाहिए, इनके गुरु बहन है वो चाहिए, नहीं तो तुलसीदास जी खुद चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये भक्ति अल्टीमेटली सब चीज़ का रूल करता है। और बाकी टेक्निकल चीज़ ये जो आप बता रहे हैं हवा का प्रैक्टिस, उसमें डिटेल्स में अगर मैं जाऊँ तो केवल हवा लेके मैं 10 दिन बात कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तोर नैना जादूबर, हवा के साथ उच्चार भी एक चीज आ जाता है, तोर नैना जादू, तोर नैना जादूबर नहीं होगा, तोर क्या हवा है, तोर तोर नैना जादू। तो ये हवा का ही तो खेल है, हवा को कैसे प्रेशर देके छुपा लेना है, बढ़ाना है। जैसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे हवा को, हवा का इस्तेमाल करना एक उसका जो प्रैक्टिस है वो सारेगामा पद निशा से ही वही प्रैक्टिस शुरू होगा। कैसे, ओमकार और आकार, ये दोनों चीज करने से सारा उच्चार सही हो जाता है। ओमकार इज क्लोज्ड वावल, ओ ये अंदर जाता है और आ ये बाहर आता है। तो ये दोनों बेसिक वावल प्रैक्टिस करने से, जैसे कि अगर सुबह उठ के लय के साथ सारेगामा पादानी सा हर स्वर को थोड़ा सा रूटीन बना के 20 मिनट आधा घंटा ओमकार और आकार से, खुली आकार और ओमकार भर के हवा लेके अगर प्रैक्टिस किया जाए ऑटोमेटिकली आवाज स्टेडी हो जाता है। और उसके साथ लय का भी 16 अगर काउंट रखे तो 14 तक गाए और 2 सेकंड हवा रखे ताकि वो लय भी कभी ना कट जाए। जैसे धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन ता ता दिन धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन ता ता दिन धा दिन दिन दा, कभी सांस आपको कटेगा नहीं, नहीं तो सांस कट जाती है। तो धा दिन, अब जितना स्लो कीजिएगा उतना हवा का जगह भी बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। देखिए धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन ता ता दिन धा दिन दिन दा, अब इसके स्लो कीजिए धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन ता ता दिन धा दिन, हवा का जगह बढ़ा है तो स्टेडीनेस बढ़ेगा। तब सापा मगामा मानी भरेगा गानी दानी नी पगा मरिनी पमा मगा गा नी रे 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 जानी मापा गा रे सप मादा सा मगा सागा पासा रे मगा रे सा सारे सा मादा नी लबगा मगा रे गरे सा रे रे गा एक्सेप्ट। मतलब जो भी आपको जो मर्जी आए आपको स्वर, आपको यमन सीखना पड़ेगा भैरव सीखना ऐसा नहीं। ये स्वर को पहचानने के लिए कभी कभी मैंने देखा कि बाजा मदद भी करता है, मगर इस पर डिपेंडेंट होने से फिर इंसान मर जाए, जो इस पर डिपेंडेंट हुआ खत्म। मगर इसको हमेशा बादशाह मत बनाना, नौकरी रखना, बादशाह खुद संगीत को रखना, मगर इससे फायदा ले सकते हैं। और बाकी जो फायदा हम ले सकते हैं, देखिए ये जो बात संवाद है जिसको हम अंग्रेजी में हारमोनी बोलते हैं, इसका फायदा हारमोनिया में ले सकते हैं। ये एडिशनल बेनिफिट टू सिंग अदर फॉर्म ऑफ म्यूजिक, जैसे
क्या मजा आ रहा है, डा 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 डा। जैसे कि फोटोग्राफ लिया जा रहा है, पीछे ग्रीन स्क्रीन था, इसके बाद ब्लू स्क्रीन ले लिया, इसके बाद व्हाइट स्क्रीन ले लिया, और मैं वही सुर गा रहा हूँ। जैसे जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जो आनंद का गाना था, देखा, देखिए थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा, ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए कहीं दूर जब, कहीं दूर जब, क्या कॉर्ड इस कितना इंटेलिजेंट है, कहीं के दुल्हन बदन चुराए, चुप कैसे आए, कहीं दूर जब दिन। क्या मजा है, आप बोलेंगे हम तो क्लासिकल गवैया है, तो फिर यू हैव मिस द ट्रेन। इस जनरेशन में इसका मजा नहीं मिला फिर, तो इसका भी तो आनंद है, तो इस ये कोई कम नहीं है। जैसे किशोर जी का गाना, ऐसा कलाकार हजारों साल में एक पैदा होते हैं। जैसे बड़े गुलाम अली खां साहब, साधना के बाद खुद को तैयार करके जैसा दिल में प्रभाव विस्तार करते थे, वो आदमी रियाज ही नहीं किया मगर ऐसा प्रभाव विस्तार कर लिया लोगों के दिल में, कितनी बड़ी बात है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मगर ब्यूटी का जो एक सक्सेस है लोगों के दिल में जगह है, कैसा वो जगह लिया, कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा, क्या गाए, कोई इसका कोई जवाब है। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये जो सुर का जो सच्चाई है, ये हवा से और उच्चार से संपर्कित है। तो हवा का हुआ, फिर स्वर का मैंने पहले ही बोला कि आप खुद को खुद टेस्ट करिए हर रोज, सफा मगा रेगा माधा भगा रेगा नी धा मगा सा नी घरे गा सा नी धा मगा पा नी धरे माधा भगा मा धा सा नी पा नी धा भगा पा सा नी सा रे गा धा सा नी मा सा नी रेगा मा पा नी रे पा मगा रेगा रे सा नी सा मगा गा रे गा मा पा धा पा नी धा पा रेगा मा पा धा नी धा मगा सा नी पा धा मगा मा धा भगा मगा रे गा मा धा भगा मगा रे सा। आप कुछ भी ले लीजिए, उस पर अपने आप को उसमें इन्वॉल्व होने के बाद आप उसको करिए। और लय में जो है, जो कि ख्याल कम से कम, जो कि विलंबित गाना गाते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि लय सबसे पहले बंदिश को लय में गाइए। जैसे प्र कभी तबला नहीं बजेगा, जिनके साथ ज्यादा तबला बजेगा उतना बेताला हो जाएगा, तबला दिल में बजेगा, तबला तबलिया कभी नहीं बजाएंगे। हाँ, स्टेज पे चाहिए, क्योंकि मेरा लय कैसे सुंदर से सुंदर तर हो रहा है वो दिखाने के लिए साथ में यह है, तब लोगों को पता चलेगा। इसीलिए स्टेज में तबला चाहिए, टू प्रोजेक्ट माई यूनिकनेस। मगर देखिए, मैं आपको विलंबित गाना गा के किसी भी राग में, जैसे कि किसी में लू कौशिक ध्वनि, जैसे कि इसकी बोल है, कवन ढंग से तुम गावत हो गुनी, सुर नर मुनि अंत नहीं पायो तिहारो, कवन ढंग से तुम गावत हो गुनी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का गाना है, तुम्हें कैमन करे गान करो हे गुनी आमी अबाक हुए सुनी। इसी से गुरु जी ने कंपोज किया, कवन ढंग से तुम गावत हो गुनी, सुर नर मुनि अंत नहीं पायो तिहारो। अब इसका बंदिश को देखिए, मैं विलंबित में गा रहा हूं, तो
खाली सुर नर मुने अंत नहीं पायो तिहारो कवनन से। तो एक ताला है, एक ताला जो है वो शुरू से आखिर तक हम गाएंगे तबलिया, बाद में आके ठेका बजा के जाएंगे मिलेगा वो जरूर, हम 100% करेक्ट होगा। जैसे आयो रे बसंत नवल रंग लायो, आयो रे निधस निधम गम निधिग मदनि सा, आयो रे निध निधस निध निधम गम सा ग मद, आयो रे सनिध सनिध मग मद सा ग मद, खत्म करूंगा तो ट्रैक में रहेगा, दूसरा ट्रैक में आके तबला बजेगा। तो ये लय का प्रैक्टिस है, मैं समझा पा रहा हूँ क्या?